कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर आणि मी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आहे आपल्या लाडक्या चॅनल आलसी इंजिनियरमध्ये। मित्रांनो, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की ऑड सेमिस्टरच्या एक्झाम्स ज्या आहेत पुणे युनिव्हर्सिटीच्या त्या ऑलरेडी सुरू आहेत, पण आता इव्हन सेमिस्टरच्या एक्झाम्सबद्दल काही न्यूज येते आहे, मग ती कितपत खरी कितपत खोटी या बाबतीतला आपल्याला अंदाज घेणं गरजेचं आहे। आणि हेही तुम्हाला माहिती आहे की आपण ऑलमोस्ट 50,000 सबस्क्राइबरच्या आसपास आहोत, तर जर तुम्ही अजूनसुद्धा चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर माझी रिक्वेस्ट आहे, प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। तर मित्रांनो, इव्हन सेमिस्टरबद्दल काही न्यूजपेपर म्हणत आहेत की एक्झाम ज्या आहेत त्या जूनमध्ये सुरू होतील, तर काही न्यूजपेपर म्हणत आहेत की एक्झाम ज्या आहेत त्या जुलैमध्ये सुरू होतील, मग नक्की काय? तर चला मी तुम्हाला काही इम्पॉर्टंट पॉईंट सांगतो। पॉईंट नंबर 1, लुकिंग ॲट द सिनारिओ, जे काही आजूबाजू आत्ता चाललं आहे हे तर क्लिअर आहे की इव्हन सेमिस्टरच्या एक्झामसुद्धा ऑनलाईनच होतील। नंबर 2, आत्ता जी कंपनी एक्झाम्स कंडक्ट करते आहे त्याच कंपनीला काम दिलं जाईल, ही शक्यता तर बिलकुलसुद्धा आत्ता नाकारता येत नाही, कारण कंपॅरेटिव्हली टेक्निकल इश्यूज जे आहेत ते कमी आहेत। नंबर 3, जेव्हा पण नितीन करमलकर सरांबद्दल या बाबतीत बोलणं झालं त्यावेळेला त्यांनी फायनल इयरच्या मुलांचा उल्लेख केला, म्हणजे फायनल इयरच्या मुलांचा एंड सेमिस्टर ही प्रायोरिटी असणार आहे, त्यामुळे फॉर्म फिलिंग म्हणा, टाइम टेबल म्हणा, त्यांच्यासाठी सेट केलं जाईल। आणि लगे हा तो जर नॉन फायनल इयरच्या मुलांसाठी सुद्धा जर टाइम टेबल सेट झालं तर मात्र आपल्या लवकरात लवकर एक्झाम्स होतील याचा अंदाज आपण लावणंसुद्धा गरजेचं आहे। चौथा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या सेमिस्टरला तसं काही शिकवणं झालेलं नाही आहे, सो टीचिंग जास्त झालं नसल्यामुळे सिलॅबसमध्ये नक्कीच ही लोकं कमी करतील, त्यामुळे या बाबतीतली कन्फर्म इन्फॉर्मेशनसुद्धा आपल्याला लवकरात लवकर मिळेल असा एक अंदाज आहे। आणि ॲट द सेम टाईम ऑलरेडी प्रॅक्टिकल बाबतीत मी तुम्हाला सांगितलं होतं की व्हिडिओ शूट होतील, ते मुलांपर्यंत पोहोचतील, त्यांना शिकवलं जाईल, मग 1.5-2 महिन्यात या एक्झाम्स होतील, दोन्ही सेमिस्टरच्या एकत्र तुमच्या एक्झाम्स होतील वगैरे, तर या संदर्भातले असे अपडेट्स आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे। तुम्ही कुठल्याही अफवांवरती कसाच विश्वास ठेवू नका, जितकं शक्य इंस्टाग्राम म्हणा, टेलिग्राम म्हणा, मी माझ्या पद्धतीने तुमचे इश्यूज म्हणा किंवा अपडेट्स म्हणा तुमच्यासमोर आणण्याचा प्रयत्न नक्कीच करतो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे चैनल आलसी इंजीनियर। दोस्तों, आप सबको पता है कि ऑड सेमेस्टर की एग्जाम जो है वो ऑलरेडी शुरू है पुणे यूनिवर्सिटी की, और अब इवन सेमेस्टर के एग्जाम्स के बारे में कुछ न्यूज़ आई है, वो अब सही है या गलत है इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। और वैसे भी आपको पता है कि हम लोग ऑलमोस्ट 50,000 सब्सक्राइबर्स के आसपास आ चुके हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है सबको, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ न्यूज़पेपर का कहना है कि एग्ज़ाम जो है वो जून में शुरू होगी और कुछ न्यूज़पेपर्स का कहना है कि एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में शुरू होगी। अब इसमें कौन सी बात सही है कौन सी गलत है इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। नंबर 1, लुकिंग एट द सिनेरियो, ये बात तो क्लियर है कि आपकी जो एग्ज़ाम्स होंगी वो ऑनलाइन ही हो सकती है। नंबर 2, जो कंपनी अभी फ़िलहाल आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रही है उसमें टेक्निकल इश्यूज़ कंपैरेटिवली कम है, तो इस हिसाब से इसी कंपनी को काम दिया जा सकता है, ये तो हम लोग वैसे भी अज्यूम कर सकते हैं। नंबर 3, जब प्रोफेसर नितिन करमलकर सर से बात की गई थी तब उन्होंने हमेशा ही ये बात कही है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एंड सेमेस्टर की जो है वो हम लोगों के लिए प्रायोरिटी रहेगी, तो अब इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले तो फॉर्म्स निकलेंगे और टाइम टेबल लगेगा वो फाइनल ईयर के बच्चों का, और इसी के साथ साथ अगर नॉन फाइनल ईयर के बच्चों का भी टाइम टेबल लग गया तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो सकती है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सिलेबस, क्योंकि इस सेमेस्टर में ज़्यादा कुछ टीचिंग नहीं हुआ है तो सिलेबस में काफ़ी कटौती आ सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको क्लियर न्यूज़ जो है वो यूनिवर्सिटी से जल्द आ जानी चाहिए। और प्रैक्टिकल के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वीडियो शूट करेंगे, फिर कॉलेजेस तक बच्चों तक पहुँचेगा, फिर कॉलेज सिखाएगा, और 1-1.5-2 महीने में ये सारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स दोनों सेमेस्टर की इकट्ठा जो है वो आपकी एक साथ जो है वो हो जाएगी। अब आपको किसी भी रूमर्स पे भरोसा नहीं रखना है, जो चल रहा है मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 2-3 दिनों के बाद वीडियोज़ आ रहे हैं,
द वेरी रीज़न इज़ जब तक सही जानकारी ना हो तब तक आपके सामने आने में कोई मतलब ही नहीं। वैसे भी टेलीग्राम हो इंस्टाग्राम हो जितना पॉसिबल है मैं आपके सामने आपके प्रॉब्लम्स हो या फिर अपडेट्स हो वो लेके आने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।